हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पढ़ एट विषय हिंदी पाठ सत्रह पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ सत्रह का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। इस पाठ का दो पंक्ति कविता का अर्थ और कविता लिखवा चुका। आज मैं तीसरा पंक्ति कविता भी लिखवा जा रहा हूँ, उसका अर्थ लिखवा रही थे। आप लोग लिखिए। तीसरा पंक्ति कविता का अर्थ आप लोग को बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। कविता का अर्थ बता रहे हैं। कभी कहता है कि विभिन्न प्रकार की मशहूर अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदे लोगों के हाथों बनती है, जिनकी सुगंध से
और सुगंधित हो जाता है। कहने का किया है कि देश का विकास इन्हीं उपेक्षित के श्रम पर निर्भर होती है, लेकिन उनकी उन्नति का ख्याल करने के बदले उनका शोषण किया जाता है और उन्हें तंगी में जीने के लिए विवश किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो लोग गरीब मजदूर द्वारा आपको खेत में अन्न पैदा करते हैं, एक से एक सामान बनाकर दूसरों को सुख सुविधा पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी क्या बहुत कम पैसे में वह काम करके दूसरों को सुख सुविधा प्रदान करते हैं और वह बहुत ही तंगी से अपना जीवन बसर करते हैं, बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही इस कविता का अर्थ है। इसे आप लोग तीनों कविता मैं लिख चुकी हूँ, इसका अर्थ भी बता चुकी हूँ। आप लोग तीनों कविता अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा और मन लगा कर पढ़िए। आज का वीडियो इतने, ओके, धन्यवाद।